आज की वीडियो हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स रिलेटेड कुछ मेथड्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम इक्वेस टू, इसमें भी किसी भी कुछ भी डाल लो। सपोज मैंने डाल दिया यहाँ पे मयंक, किसी का नाम डाल दिया, ठीक है। अब मेरे को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, जो भी मेथड लगाने हैं, इसी स्ट्रिंग पे लगाऊंगा। तो पहला मेथड है कि मेरे को इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, पहले int l equals to name dot length लिख। ये क्या करता है, जी name dot length जो फंक्शन है ना, वो रिटर्न करता है एक इंटीजर, इसकी लेंथ। रिटर्न लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग, जो लेंथ रिटर्न कर रहा है उसको स्टोर करा दिए एल वेरिएबल में। मैं आपको इसको डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज लेस देन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 6। आ गया। नेक्स्ट मेथड है, मेरे को ये मतलब जो सारी स्ट्रिंग है मयंक नाम की, वो सारे लोअर केस में चाहिए। उसके लिए क्या करूंगा मैं, एक स्ट्रिंग बना लूंगा लोअर केस एल सी इक्वल्स टू नेम डॉट टू लोअर केस। ये एक मेथड है टू लोअर केस, मतलब जो नेम वाली स्ट्रिंग है उसको टू लोअर केस मतलब लोअर केस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दो। तो ये क्या मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा रिटर्न अ, पहले मैं इसको कमेंट बनाया था, नहीं तुझे एरर देगा, रिटर्न अ स्ट्रिंग इन लोअर केस कैरेक्टर। अब मैं इसको डिस्प्ले करवा के दिखा देता हूँ। दी स्ट्रिंग इन लोअर केस कैरेक्टर इज एल सी, ठीक है। जैसे मैं करूंगा तो क्या आएगा इसका आंसर, मयंक। स्टार्टिंग एम कैपिटल था, वो क्या हो गया स्मॉल, क्योंकि ये सारे लेटर किस में लोअर केस में आ गए। नेक्स्ट मेथड है, अगर मेरे को उसमें कैपिटल में चाहिए तो उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए भी सेम मेथड है उसमें, लेकिन टू अपर केस आया था। यू सी इक्वल्स टू नेम डॉट टू अपर केस, जी क्या करता है सारे लेटर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो रिटर्न करता है बाद में, रिटर्न अ स्ट्रिंग इन अपर केस कैरेक्टर। इसको भी मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ। The string in upper case character is UC। देख लो आउटपुट क्या आता है, ये सारे के सारे लेटर किस में आ गए, अपर केस में आ गए, ठीक है। सेम एक और मेथड है, नेक्स्ट मेथड, मेरे को अगर ये स्ट्रिंग है ना कि स्ट्रिंग में कोई सा भी कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो क्या करूंगा मैं, रिप्लेस नाम का एक फंक्शन यूज करूंगा। तो एक और स्ट्रिंग बना लूंगा, स्ट्रिंग आर सी रिप्लेस आर एस रिप्लेस स्ट्रिंग इक्वल्स टू नेम डॉट रिप्लेस। रिप्लेस में ये क्या दो आर्गुमेंट लेता है, एक आर्गुमेंट वो लेता है जिसको तुम्हें चेंज करना है, मतलब स्टार्टिंग में तुम्हें सपोज मैं दे रहा हूँ ए, मतलब जो मेरा जिस स्ट्रिंग में जो ए कैरेक्टर है ना, यहाँ पर जहाँ पर ए कैरेक्टर है उसको चेंज कर दो किससे, इसको मैं चेंज करूंगा सपोज टी से चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या होगा, जहां पर भी मेरा ए कैरेक्टर है वो रिप्लेस हो जाएगा टी। यहाँ पर लिख देता हूँ ए कैरेक्टर इन द ओल्ड स्ट्रिंग इज रिप्लेस बाय न्यू कैरेक्टर टी, ठीक है। टी कैरेक्टर से रिप्लेस हो जाएगा, मैं इसको आपको प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। The new string now is plus rs, ठीक है। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है, आउटपुट नहीं है यार, कुछ मिस्टेक आ गया, आ तो गया यार। तो देख लो यहाँ पर भी a था स्ट्रिंग में, a यहाँ पर था मयंक में, m a y a n k, तो a यहाँ पर था, वहां पर क्या आ गया t। तो ऐसे क्या हो गया, ये जो भी कैरेक्टर ए था वहां पर रिप्लेस हो गया।
और इसके बहुत और भी मेथड हैं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।